बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी भी सोया छा पुलाव इतना जबरदस्त, तो फटाफट सी बना के और तैयार करेंगे जो भी देसी घी में। तो नमस्कार, संतोष किचन में आपका स्वागत है। तो आज बनाएंगे चावल सोया पुलाव। तो सोया पुलाव के लिए ये सोयाबीन ली है, तो इसमें तो बॉईल करेंगे सोया पिन और उसमें बॉईल करेंगे चावल। तो चावल आप कोई भी ले सकते हो, मैंने बासमती चावल लिया है। ये बहुत ही अच्छा लंबा लंबा हो जाता है बनने के बाद भी और स्वादिष्ट भी लगता है। तो उधर वाला पानी गर्म हो गया और इधर वाला भी, तो इसमें तो डाल देंगे सोयाबीन। तो 4-5 मिनट सोयाबीन को गर्म पानी में है। अब इसमें डाल देंगे चावल। चावल को अच्छे से पानी से धो के साफ करके डालें। आप कोई भी चावल ले सकते हो, चावल तो सारे वैसे ही है चाहे तो आप। मैंने तो बासमती का इस्तेमाल किया है। तो जब तक सोयाबीन भी फूल जाएगी, तो बॉयल कर लेते हैं चावल। तो सोयाबीन तो बॉयल हो गई है, अच्छे से फूल गई। तो गैस को कर देंगे बंद और इनको छन्ने से छान लेते हैं। और चावल देखिए, अभी चावल अच्छे से पके नहीं है, तो चावल को पकने देते हैं जब तक इसको छान लेते हैं। तो सोयाबीन को तो छान लिया है, अच्छे से फूल गई। जब तक कढ़ाई के नीचे वापस गैस चला देंगे, उसी कढ़ाई में। तो कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी। तो सोयाबीन को फ्राई करना है घी में, तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी को इसी हिसाब से निचोड़ेंगे। थोड़ा ही निचोड़ना है, ज्यादा नहीं निचोड़ना ऐसे, इसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा निचोड़ लेंगे। ज्यादा पानी नहीं है इसमें, देखें ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। तो चावल को भी चेक कर लेते हैं, तो अभी चावल पका नहीं है, तो इसको निचोड़ लेते हैं जब तक। ये सोयाबीन को निचोड़ लिया है, अब डाल देंगे घी के अंदर। इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। 3-4 मिनट के लिए मीडियम गैस पे फ्राई कर लेते हैं। जब तक ये फ्राई हो रहा, जब तक चावल को भी देख लेते हैं, तो चावल अभी पका नहीं है। तो सोयाबीन फ्राई हो गया है, ब्राउन पड़क भी आ गई थोड़ी सी। तो गैस को कर देते हैं बंद और इसको कर लेते हैं ठंडा। तो गैस पे दूसरी कढ़ाई रख ली है। अब इसमें 2 चम्मच डालेंगे घी। मैं आज सोयाबीन चावल घी में ही बनाऊंगी। सोया चावल बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बन के तैयार होते हैं जो घी में बनाते हैं। आप तो चाहे तेल में भी बना सकते हो। जब तक चावल को भी तेल घी गर्म होगा, चावल को भी चेक कर लेते हैं। तो अभी चावल में थोड़ा सा 1-2 मिनट में बन जाएगा। तो चावल बनके तैयार हो गया है, देखिए। तो गैस को कर देते हैं बंद। तो गैस को बंद कर दिया है और चावल को छान लेते हैं छन्नी में। तो चावल को छान लिया है, देखिए कितने अच्छे चावल बने हैं, खिले खिले। तो अभी इनका काम नहीं है, इनको साइड में रख देते हैं जब तक हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया। तो इसमें डालेंगे तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी वाली इलायची और 3 से 4 लौंग। अब जाएगा इसमें 22 कटा हुआ प्याज। तो प्याज को ब्राउन कर लेते हैं।
अब प्याज को हल्का सा ब्राउन ही करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, कच्चापन उतारना है। तो इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का दरदरा कुटा हुआ पेस्ट, ये ज़्यादा बारीक नहीं है, दरदरा कुटा हुआ ही में ज़्यादा अच्छी लगती है, खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। चाहे तो आपको पसंद हो तो आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हो। ये प्याज का कलर अलग हो गया, गुलाबी आ गया, तो अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी 2 मिनट पका लेते हैं, अभी पक रहा है 2 मिनट। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच हरी वाली सौंफ, इससे क्या खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी डबल हो जाता है चावल का। अब इसमें मसाले डाल लेते हैं, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया, रेड चिल्ली, नमक। अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो अब इसके साथ क्या करना है वो है इम्पोर्टेंट चीज, इसमें डालना है दही। तो ये 50 ग्राम के लगभग दही है, मतलब 2-3 चम्मच। तो अच्छे से थोड़ी देर के लिए लगातार चलाना है, रोकना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो दही फटने का डर रहता है। तो लगातार चलाते रहना है इसी हिसाब से। चला लिया, अब इसमें डालेंगे हरी वाली प्याज, मेरे पास रखी थी, आपके पास हरा धनिया हो तो डाल सकते हो। मसाला को 2-3 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो 3-4 मिनट हो गई है, कलर भी कितना प्यारा आ गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये पक के तैयार हो गया, अब इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस, नींबू का बीज निकाल के डाले मसाले में। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब डालेंगे फ्राई की हुई सोया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे चावल, चावल का पानी सारा निकलने के बाद ही चावल डाले। ये थोड़ा चावल मैं रखूंगी बच्चों के लिए, मीठे के साथ देने के लिए, बूरा के साथ ज़्यादा पसंद करेंगे थोड़ा सा मीठा। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बढ़िया सी मिक्स होना चाहिए इसी हिसाब से। अब डालेंगे मसाला, तो 1 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच चाट मसाला, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉस, अगर आपको पसंद हो तो डाल सकते हो, तो स्किप भी कर सकते हो। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया, अब इसमें खास चीज़ डालेंगे देसी घी, ये ऊपर से बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे तो आप पसंद हो तो डाल सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है डालना। तो ये बहुत ही सुंदर और खुशबू भी अच्छी आ रही है। तो आज के सोया पुलाव कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसको घी को भी अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। तो गैस को कर देंगे बंद। ये बहुत ही सुंदर कलर आया है, कितना प्यारा और अच्छा भी, हेल्दी भी। तो गैस को कर लेते हैं बंद। तो आज के पुलाव की रेसिपी कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताएं। अगर मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आने वाली क्या नई नई रेसिपी आप तक पहुंच सके।
तो हम डाल रहे हैं प्लेट में। ये मैं दही के साथ सर्व कर रही हूँ। ये दही के साथ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लगते हैं इतने खाने में। तो हमने डाल लिया है सोया फ्लावर। तो ये बहुत ही टेस्टी और इतना गजब बना है फ्लाव, बहुत ही हेल्दी। तो आप भी बनाए तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता सकते हो आज की रेसिपी कैसी लगी। तो आज के लिए